हेलो गाइस आपका फ्रेंड हिमांशु गर्ग आज फिर एक नई वीडियो लेके आया है तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की जैसे कि गाइस अभी कुछ दिन पहले सुनने में आ रहा था कि भाई एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे ठीक है कि भाई सीबीएसई इस सिचुएशन में एग्ज़ाम लेगा या नहीं लेगा तो गाइस उसके रिगार्डिंग सीबीएसई ने सब कुछ क्लियर कर दिया है सीबीएसई ने अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल दिया है ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है बारह तारीख को निकाला गया है बारह तारीख ठीक है तो गाइज़ मैं सीधा ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आपसे बात कर रहा हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने खोल रखा है तो गाइज़ मैं एक एक करके आपको सारे पॉइंट क्लियर करूंगा तो गाइज प्लीज़ यार वीडियो को पूरा देखना और कोई भी बच्चा अगर कोई भी स्टूडेंट अगर कंपार्टमेंट एग्जाम देना चाहता है आपके कोई भाई है आपका कोई बहन है तो उसके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना जिससे कि उसको पता चल सके भाई कैसे कैसे प्रोसेस होने वाला है गाइज़ ये जो वीडियो है ये टेंथ क्लास के लिए भी है और ट्वेल्थ क्लास के लिए भी है ठीक है चलो तो वाइज हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए तो वाइज जो सी ने नोटिफिकेशन निकाला है वो रेगुलर कैंडिडेट्स के लिए भी निकाला है जो रेगुलर हैं ठीक है अपीयरिंग थ्रू स्कूल्स और प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए भी निकाला है जिन्होंने डायरेक्ट सी की वेबसाइट से अपना फॉर्म भरा था और वो अभी भी डायरेक्ट अपनी सी की वेबसाइट से ही फॉर्म भरेंगे तो वाइज देखो दिस सर्कुलर इज फॉर रेगुलर कैंडिडेट अपियरिंग थ्रू स्कूल्स गाइज़ जो रेगुलर कैंडिडेट्स वाले हैं वो स्कूल के थ्रू भरेंगे अपना फॉर्म ठीक है और जो प्राइवेट वाले हैं वो सी की वेबसाइट से भरेंगे तो गाइज़ जो आपके जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हुई है तेरह तारीख से ये देखो तेरह आठ दो हज़ार बीस से और गाइज़ ये जो है ये क्लास टेंथ और ट्वेल्थ के लिए है अब गाइज मैं बात करता हूँ कि आपको भी फॉर्म भरना से है तो आपका जो फॉर्म भरा जाएगा वो भरा जाएगा ई परीक्षा लिंक ये आपको दिया गया है इससे आप फॉर्म अपना भर सकते हो ठीक है अब गाइज मैं बात करता हूँ कि भाई कौन कौन इसके लिए अपियर है मतलब कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है पहले मैं गाइज बात कर रहा हूँ रेगुलर कैंडिडेट्स के लिए कि भाई रेगुलर कैंडिडेट्स में कौन कौन है जो इस फॉर्म को फिल कर सकता है तो देखो गाइज कैंडिडेट ऑफ क्लास टेंथ एंड ट्वेल्थ अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन इन फेबर या मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी एज रेगुलर कैंडिडेट एंडल्ट कैन बी डिक्लेयर एज कम्पार्टमेंट गाइज जिन बच्चों ने जिन स्टूडेंटों ने टेंथ और ट्वेल्थ के लिए फरवरी मार्च में पेपर दिए थे टू थाउजेंड ट्वेंटी में वो भी रेगुलर कैंडिडेट तो गाइज वो इस फॉर्म को भर सकता है जिसका रिजल्ट कम्पार्टमेंट में आया था कि भाई और वो मतलब उसकी कंपार्टमेंट थी अब गाइज अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करता हूँ तो कैंडिडेट ऑफ क्लास ट्वेल्थ हु अप्लाइड फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस एज रेगुलर कैंडिडेट इन द सब्जेक्ट फॉर विच एग्जामिनेशन वॉज शेड्यूल्ड फॉम फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंडेंड ट्वेंटी टू फिफ्टीन जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी एंड द रिजल्ट हैज बी डिक्लेयर एज एन सी इन द सब्जेक्ट कंसर्न गाइज़ जिनके पेपर होने वाले थे फर्स्ट जुलाई दो हजार बीस से लेकर पंद्रह जुलाई दो हजार बीस तक के तो वो बच्चे भी इसके अंदर भर सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट की अगर गाइज मैं बात करता हूँ तो कैंडिडेट ऑफ क्लास ट्वेल्थ हु हैव अपियर्ड एज रेगुलर कैंडिडेट इन सिक्स सब्जेक्ट इन फैबिया मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी एन डिक्लेयर पास बट नॉट क्लियर वन सब्जेक्ट कैन अपियर अंडर इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस कैटेगरी गाइज अगर आपका रिजल्ट आ चुका है वैसे तो रिजल्ट आपका आ ही चुका है ठीक है लेकिन आपके पास थे छः सब्जेक्ट और आप पास आपका जो रिजल्ट है वो पास आया है लेकिन किसी वजह से आप एक सब्जेक्ट में क्लियर नहीं कर पाए देखो कुड नॉट क्लियर वन सब्जेक्ट तो वो भी इसके अंदर अपना इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस का भर सकते हैं फॉर्म ठीक है कैंडिडेट ऑफ क्लास ट्वेल्थ एंड टेंथ बीन पब्लिश अंडर कैटेगरी वन ऑफ यू एफ एम वेयर एंड देयर करंट एग्जामिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट हैज बीन कैंसिल एंड दे हैव बीन अलाउड टू अपियर इन कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन गाइज जो आपको पनिशमेंट मिली थी कैटेगरी वन ऑफ यू एफ एम में तो उनके भी करंट एग्जामिनेशन नहीं हो पाए थे वो कैंसिल हो गए थे तो वो भी इसके अंदर अपीयर कर सकते हैं कंपार्टमेंट एग्जाम में ठीक है तो गाइज़ जो नेक्स्ट हमारी मैं बात करता हूँ प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए कि भाई प्राइवेट कैंडिडेट्स को कैसे कैसे ये फॉर्म भरना है उनका क्या प्रोसेस है गाइज़ वेबसाइट ये मैंने आपको दे दी है ये भी वेबसाइट ठीक है इससे आपको जाके फॉर्म फिल करना है तो गाइज़ मैं बात करता हूँ हमारे कौन कौन ऐसे हैं जो प्राइवेट से फॉर्म भर सकते हैं कंपार्टमेंट का तो देखो गाइज दोज हु हैव अपियर इन मार्च 2019 इन फुल सब्जेक्ट मार्च 2019 में जिन्होंने भरा था आइदर एज रेगुलर थ्रू स्कूल एफिलेटेड टू द बोर्ड और एज प्राइवेट कैंडिडेट एंड रिजल्ट डिक्लेयर एज कंपार्टमेंट आल्सो कुड नॉट पास इन जुलाई 2019 फर्स्ट चांस मतलब गाइज अगर आपने 2019 में पेपर दिए थे चाहे आपका रेगुलर कैंडिडेट हो चाहे आप प्राइवेट हो लेकिन आपका वो पास नहीं हो पाया था कंपार्टमेंट थी तो वो था आपका फर्स्ट चांस उसके बाद आपको सेकेंड चांस मिला था फरवरी मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी में अब आप गाइज़ इसके अंदर ऑल सच कैंडिडेट आर एलिजिबल टू अप्लाई ऑनली एज प्राइवेट कैंडिडेट फॉर थर्ड चांस कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड इन सेप्टेम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी आप गाइज आपको सेकेंड चांस मिला था फरवरी और मार्च में कि भाई आप अपना जो आपका ये फेल हो गए हो आप ये आपकी कंपार्टमेंट है तो आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हो तो जब भाई आपके पेपर नहीं हुए तो अब इन बच्चों को मिला है थर्ड चांस ठीक है, as private, आपको भरना होगा लेकिन अब private से। second point की अगर मैं बात करता उनको भी सेकेंड चांस मिल गया है ठीक है और सेकेंड चांस वालों को जो फर्स्ट जुलाई से पंद्रह जुलाई के बीच में पेपर होने वाला था वो कैंसिल हो गया था तो वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं कैंडिडेट ऑफ क्लास ट्वेल्थ हुआ अप्लाइड फॉर इम्प्रूम ऑफ परफॉर्मेंस एज प्राइवेट कैंडिडेट इन सब्जेक्ट फॉर विच एग्जामिनेशन वॉर सेड्यूल फ्रॉम फर्स्ट जुलाई टू 15 जुलाई रिजल्ट हैज बीन डिक्लेर्यड एन सी इन द सब्जेक्ट कंसर्न गाइज जिन्होंने अपना इंप्रूवमेंट भरा था प्राइवेट कैंडिडेट ने फर्स्ट जुलाई से पंद्रह जुलाई के बीच में जिनका पेपर होना था वो भी यहाँ पर भर सकते हैं कैंडिडेट ऑफ क्लास ट्वेल्थ हुए इन सिक्स इन फैब मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी पास आउट पास बट कु नॉट क्लियर वन सब्जेक्ट कैन अपीयर अंडर इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस कैटेगरी गाइज अगर आपने सारे सब्जेक्टों का प्राइवेट कैंडिडेट थे आप और फरवरी मार्च में आपने फॉर्म भरा था और आपका अब डिक्लेयर पास कर दिया था बट किसी वजह से आप एक सब्जेक्ट में आपका नहीं हो पाया था क्लियर तो वो भी आप यहाँ पर अपीयर अप कर सकते हो इम्प्रूवमेंट में अब आप, आप एग्जाम दे सकते हो कैंडिडेट ऑफ क्लास टेंथ हुईड फॉर अपीयरिंग इन एन एडिशनल सब्जेक्ट इन द सब्जेक्ट कम्प्यूटर अप्लीकेशन गाइज़ ये जो है ये है टेंथ क्लास के लिए अगर गाइज़ आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन थी इन्फॉर्मेशन एंड कम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी थी जिसका एग्जाम बीस मार्च को होने वाला था बट वो भी कोविड की वजह से कैंसिल हो गया तो वो भी आप यहाँ पर अपीयर कर सकते हो कैंडिडेट ऑफ क्लास ट्वेल्थ एंड टेंथ हु पनिश अंडर कैटेगरी वन यू एफ एम वेअर इन द करंट एग्जामिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट हैज बीन कैंसिल एंड दे हैव बीन अलाउड टू अपीयर इन कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन गाइज जो टेंथ और ट्वेल्थ क्लास वालों को प्राइवेट कैंडिडेट्स को कैटेगरी वन ऑफ यूएफएम के अंदर आपको पनिशमेंट मिली थी वो भी यहाँ पर कंपार्टमेंट एग्जाम में दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं ठीक है गाइज अगर आपको किसी भी तरह की डिफिकल्टी हो एग्जाम को भरने के अंदर तो आप सी बी एस ई की वेबसाइट पर जाके देख सकते हो ठीक है या फिर आप आई टी यूनिट से भी बात कर सकते हो या आप अपने स्कूल में बात कर सकते हो ठीक है तो गाइज अब मैं बात कर लेता हूँ अपनी फीस स्ट्रक्चर के बारे में कि भाई क्या फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता ही दिया है फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम तो देखो गाइज जो फीस स्ट्रक्चर रखा गया है इसके अंदर वो रखा गया है आपका विद नॉर्मल फीस पहले मैं बात कर रहा हूँ गाइज नॉर्मल फीस की कि भाई अगर आप नॉर्मल फीस से भरोगे गाइज इसकी जो डेट है ना वो रखी गई है तेरह तारीख से बीस तारीख तक शाम पाँच बजे तक अगर आपने फॉर्म भर दिया तो आपके लगेंगे तीन सौ रुपये पर सब्जेक्ट आपके लगेंगे तीन सौ रुपये पर सब्जेक्ट अगर आप इंडिया के हो स्कूल्स इन इंडिया अगर आपका स्कूल बाहर का है स्कूल आउटसाइड इंडिया है तो आपके लगेंगे दो हजार रुपये पर सब्जेक्ट ठीक है गाइज अब अगर मैं बात करता हूँ भाई बीस तारीख तक अगर आप किसी वजह से नहीं भर पाए पाँच बजे तक तो इन्होंने लेट फ़ीस के साथ एक और वो करा है कि इक्कीस तारीख से बाईस तारीख तक आपको मतलब बाईस तारीख तक लास्ट चांस दिया जाएगा पाँच बजे तक आपको फॉर्म भरना होगा इसके साथ होगा क्या आपकी लेट फ़ीस लगेगी लास्ट डेट विद लेट फीस ऑफ रुपीज टू थाउजेंड इट एडिशन टू फी प्रिस्क्राइब मतलब अब होगा क्या गाइज आपको तीन सौ तो ये देने होंगे ऊपर वाले और प्लस दो हजार और देने होंगे तो आपके अगर आप लेट फीस से भरते हो तो आपके लगेंगे फिर तीन हजार तेईस सौ रुपए सॉरी दो हजार तीन सौ रुपए ठीक है तो आपको फिर यहाँ पर अब करना क्या होगा भाई लेट फीस के साथ काम करना होगा ठीक है गाइज जो आपका हाँ एक चीज और गाइज जिन बच्चों को जिन स्टूडेंट्स को जैसे आपका रिजल्ट आ गया है फर्स्ट जुलाई से पंद्रह जुलाई के बीच में आपके पेपर होने वाले थे उनको फ़ीस नहीं देनी है यहाँ पर देखो कैंडिडेट ऑफ क्लास ट्वेल्थ हुट अप्लाइड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस एज रेगुलर कैंडिडेट जो रेगुलर हैं इन द सब्जेक्ट फॉर विच एग्जामिनेशन वाज शेड्यूल्ड फ्रॉम फर्स्ट जुलाई 2020 टू 15 जुलाई 2020 एंड देयर रिजल्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज एनसी इन द सब्जेक्ट कंसर्न नॉट टू बी पेड उनको फ़ीस नहीं देनी ठीक है और सबको गाइस फीस देनी है टू बी पेड टू बी पेड टू बी पेड और सबको फीस देनी पड़ेगी ठीक है गाइस आपको पता ही है प्रोसेस तो ऑनलाइन होता है सब कुछ फी पेमेंट वगैरह आप सब ऑनलाइन होता है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड आप किसी भी थ्रू से भर सकते हो उसको ठीक है तो गाइज़ जिस जिसको भी अपना कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम भरना है वो फटाफट से जाओ और अपना ये फॉर्म भर दो गाइज़ अभी वैसे इनकी जो एग्ज़ाम है कब होगा इसकी कोई इन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं निकाला है मतलब डेट नहीं निकाली है ठीक है ये अनाउंस हो जाएगी बहुत जल्दी इन्होंने वैसे बोला है कि ये जो होंगे एग्ज़ाम ये आपके सेप्टेम्बर टू में होंगे अभी तक जो बात चल रही है लेकिन डेट अभी इन्होंने अभी तक नहीं निकाली है ऑफिशियली मतलब अनाउंस नहीं करी है ये बहुत जल्दी अनाउंस हो जाएगी ठीक है तो गाइज फटाफट से यार अगर आपको भरना है तो फॉर्म तो आप भर दो लेट मत करो क्योंकि कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए ठीक है ओके तो गाइज़ वीडियो को हम खत्म करते हैं यार अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना इसी तरह की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे गाइज अगर आप टेंथ या ट्वेल्थ क्लास में हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही होगी और आप इसको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो क्योंकि यार किसी का एक साल बर्बाद ना हो ठीक है अगर मान लो भाई उसको अपने नंबर बढ़वाने हो तो वो बढ़ सकते हैं ये उसके पास लास्ट चांस है ओके गाइज थैंक यू गाइस